बालों को सिल्की, शाइनी और बाउंसी बनाने के लिए पार्लर्स में बहुत महंगे महंगे हेयर स्पा अवेलेबल हैं, जो कि दावा करते हैं कि ये हमारे बालों को हेल्दी भी बनाते हैं। इनसे हमें सिर्फ इंस्टेंट ग्लो मिलता है, बालों को इंस्टेंट शाइन मिलता है, लेकिन लेटर ऑन ये हमारे बालों को डैमेज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। हम नेचुरल तरीके से घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट से भी अपने बालों को हेल्दी बना सकते हैं, एक हेयर स्पा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। ब्यूटी सेक्शन में आज हम बात करेंगे हेयर स्पा के बारे में, जिसको कि हम अपने घर में ही अवेलेबल बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ कर पाएंगे, और सिर्फ 4 स्टेप में हम इस पूरे प्रोसेस को कर लेंगे, जो कि बिल्कुल केमिकल फ्री होगा। सबसे पहला स्टेप होगा कि बालों की ऑयलिंग करना, मसाज करना। उसके लिए जो हमें ऑयल की ज़रूरत है, आपको मैं थोड़ा सा उसका प्रोपोर्शन बता देती हूँ कि हमें ज़रूरत होगी 2 चम्मच कोकोनट ऑयल, 2 चम्मच ओलिव ऑयल और 2 चम्मच बादाम का तेल। इन तीनों को मिक्स कर लें। अब इसमें जो नेक्स्ट 2 ऑयल हमें मिलाने हैं वो है विटामिन ई और कैस्टर ऑयल। दोनों ही ऑयल की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होती है, तो 1/2 चम्मच हम इसमें मिलाएंगे कैस्टर ऑयल और 1/2 चम्मच विटामिन ई ऑयल। विटामिन ई ऑयल आप कैप्सूल्स जो उसके अवेलेबल हैं उसमें से भी ले सकते हैं। इन सारे ऑयल्स को मिक्स करके एक बॉटल में भर लीजिए और अपने बालों की लेंथ के हिसाब से उसमें से जितना पोर्शन आपको चाहिए वो आप अलग सेपरेट एक बाउल में कर लीजिए और उसको हल्का सा ल्यूक वॉर्म हमें कर लेना है। और अपनी पूरी स्कैल्प अच्छे से मसाज करनी है, पूरी लेंथ में भी इस ऑयल को अच्छे से लगा लेना है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जिन लोगों के पास ये सारे ऑयल अवेलेबल नहीं हैं, तो आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल है आप उससे मसाज को कर सकते हैं। ऑयलिंग के बाद हमें करीबन 1 घंटा इसको अपने बालों में लगा रहने देना है। राइट, ये हुआ हमारा पहला स्टेप। अब जो हमारा दूसरा स्टेप है उसमें हमें अपने बालों को स्टीम करना है, तो उसका प्रोसेस हमारे घर में हम कैसे कर सकते हैं कि एक बोल में गर्म पानी ले लीजिए और कॉटन का एक टॉवल लेकर उसमें डिप करने के बाद उसको निचोड़ लीजिए, उसका पानी बहुत एक्सेसिव ना हो कि वो बहे। अब इस टॉवल में अपने बालों को रैप कर लीजिए अच्छे से। इससे क्या होगा कि वो जो गर्म पानी की स्टीम हल्के हल्के हमारे बालों के जो पोर्स हैं, स्कैल्प पे जो पोर्स हैं, उनको ओपन करेगा और जो हमारे हमने जो ऑयल अप्लाई किया है वो अंदर सीप इन करेगा हमारी स्कल में और न्यूट्रिशन देगा हमारे फॉलिकल्स को। तो ये प्रोसेस हमें करना है और 15 मिनट उस टॉवल को हम ऐसे ही अपने बालों में बंधा रहने दें। इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप होगा, वहाँ पर हमें अपने बालों को शैम्पू करना है। शैम्पू के बाद जब हम अपने बालों में मास्क लगाएंगे तो वो हमारी स्कैल्प और हमारे बालों पर ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि वो उस समय बिल्कुल क्लीन होंगे। तो हमें किसी भी माइल्ड शैम्पू की हेल्प से अपने बालों को धो लेना है। अब हम अपने फाइनल स्टेप की तरफ चल रहे हैं, जो कि है 4th स्टेप, जहां पर हमें मास्क अपने बालों में लगाना है। हेयर मास्क बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी बहुत सिंपल से 3 इंग्रेडिएंट्स की। पहला है बनाना, जिसको हम केला भी कहते हैं। तो केला हमें 1 लेना है और उसमें 2 टीस्पून हमें शहद मिला देना है और करीबन 1 चम्मच ओलिव ऑयल। यहाँ पर जो केले की क्वांटिटी है वो आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। और जो जैतून का तेल हमने मिक्स किया है इसमें, वो भी आपके बालों के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। जिन लोगों के बाल बहुत जल्दी ऑयली हो जाते हैं तो वो चाहें तो जैतून के तेल की क्वांटिटी को बहुत कम कर दें या स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के बाल ड्राई रहते हैं उन्हें जैतून के तेल को यूज़ करना है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक बहुत फाइन पेस्ट बना लें। आप चाहें तो इसको मिक्सी में अच्छे से चर्न कर लें और अपने बालों में, मतलब बालों की पूरी लेंथ और स्कैल्प पे इसको अच्छे से जेनरसली अप्लाई कर लें और करीबन 15 मिनट के लिए इसको बालों में लगा छोड़ दें। 15 से 20 मिनट के बाद हम अपने बालों को नॉर्मल पानी से धो लें।
पानी आप चाहें तो ल्यूक वॉर्म भी ले सकते हैं। बालों को धोने के बाद क्योंकि हमने मास्क अप्लाई किया है तो हमें कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है, तो उस दिन आप कंडीशनर को स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम जब भी शैम्पू करते हैं अपने बालों को, उसके बाद हमें अपने बालों को कंडीशन करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम इस हेयर स्पा ट्रीटमेंट को रेगुलर फॉलो करेंगे तो हमारे बाल हेल्दी और हमारे बालों का टेक्स्चर भी बढ़िया होगा, मतलब बहुत सिल्की शाइनी होंगे और बालों में एक बहुत अच्छा सा बाउंस भी आएगा। आप इसको यूज़ कीजिए और जो भी इसके फीडबैक है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि आज के टाइम में सभी लोग बालों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। हमारी सभी वीडियोस हमारी ऐप पर भी अवेलेबल हैं जो कि डिवाइन केयर के नाम से है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।